तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी योम यकजहती कश्मीर के मौका पर इटली के शहर ब्रेशिया में रैली और कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाक यूनाइटेड फेडरेशन इटली के तहत मुनक़दा तकरीब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों कश्मीरियों समेत अतालवी कम्युनिटी ने शिरकत की। साबिक स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक गनी और EU पाक फेडरेशन फ्रेंडशिप यूरोप के चेयरमैन चौधरी इकबाल लोसर, रोम से बानी एसोसिएशन पाकिस्तान इटली राजा आफ्ताब ने इटालियन नयाद खदीजा आफ्ताब के हमरा खसूसी शिरकत की। इटली भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बसों में काफले की शक्ल में शिरकत की। बलोनिया से स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के बानी चौधरी फैसल महमूद चेची ने अपने काफले के हमरा शिरकत की। रैली में शुरका ने कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और पाक फ़ौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। कॉन्फ्रेंस में चौधरी इकबाल लोसर ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जो मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़ा है और जंग भी कर चुका है। भारत का पाकिस्तानी अवाम और अदारों को एक दूसरे के खिलाफ करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वाहिद मुल्के पाकिस्तान है जो कश्मीरियों के साथ गिरने धुरने सुहने खड़ा है, जिसने इंडिया के लिए इंडिया के साथ कश्मीरियों के लिए जंग भी की है। और इंशाअल्लाह फज़ले खुदा अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी पाकिस्तान की कौम और ख्वाजे पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जंग करने के लिए तैयार है। अगर तैयार है तो हाथ खड़े करके बताओ और हमेशा हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, प्रोपेगेंडा जो आपके मुल्क के खिलाफ आपके अदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। कई सालों से मैं ये लोगों को कह रहा हूं कि ये जो फिफ्थ जनरेशन बाहर है, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है आपके मुल्क के खिलाफ आपकी फौज के खिलाफ आपके सियासतदानों के खिलाफ, इसको आपने रोकना है। और रोकने के लिए आपने भाई रुक और भाई क्रुक रोकना है, क्योंकि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम जो है ये पाकिस्तान की मजबूर आवाम मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और इंडिया को मैं ये आपको बताऊं, इंडिया का एक ही हाथ है कि पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाए। और यह नरेंद्र मोदी जो कि एक दहशतगर्द है, जो कि एक गुजरात गुजरात है जिसको गुजरात का कसाई कहा जाता है, उसका हाथ बींग ए अवर्चित पाकिस्तानी मैं यहां ब्रेशिया में खड़े होकर उसको यह पैगाम देता हूं, नरेंद्र मोदी तेरा हाथ हाथ बन के रह जाएगा। पाकिस्तानी कौम और ख्वाजे पाकिस्तान हमेशा इंडिया को 65 हो 71 हो 19 हो 18 हो इंडिया को कभी अभी अभिनंदन भेज के तूने देख लिया। अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने उतारा लित्तर छित्तर और डेरे मारकर वाघा के जरिए वापस करके यह मैसेज दे दिया। इस मौका पर साबिक स्पीकर KPK असम्बली मुश्ताक अहमद गनी का खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आज भी कश्मीरियों को वोट का हक दिया जाए तो 90% से ज़्यादा कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कश्मीर का मुकदमा उस तरह से नहीं लड़ा गया जैसा इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना सिर्फ अक़वामे मुत्तहिदा बल्कि पूरी दुनिया में लड़ा गया। कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद उस तरीके से कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा गया जिस तरीके से इमरान खान ने अपने 3 साल दौर इक्तदार में कश्मीर का मुकदमा यूनाइटेड नेशन में भी लड़ा और तमाम कश्मीर की आजादी के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें पूरी दुनिया को, मेरे साथ यहां खातून बैठी हुई थी इटालियन, उन लोगों से बात की उन्होंने और मेरे लिए भी दैट वाज अलार्मिंग। उन्होंने कहा कि यहां आपने ये जो जलसा या ये तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं इसमें आप पाकिस्तानी हैं, वहां के लोग हैं, कश्मीरी हैं, इटालियन लोगों को आपने क्यों नहीं बुलाया, ताकि जब हम एक चीज को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमें उस मुल्क के लोगों को बिठाना चाहिए, उनको हमें बताना चाहिए कि हम क्यों कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं।
हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां इंसानी हकूक की बुरी तरह पामाली हो रही है, वहां लोगों को बात करने की आजादी नहीं, वह हर वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिए जाते हैं, वहां जवानों को सरेआम कत्ल किया जाता है या बहनों की सरेआम अस्पताल लूटी जाती है। किधर हैं अवामी हकूक की तंजीमें, उनको कश्मीर के अंदर रवा रखे जाने वाले मजालिम क्यों नहीं नजर आते? कॉन्फ्रेंस में पाक यूनाइटेड फेडरेशन इटली के सदर चौधरी शमरेज़ गोंदल, अतालवी सियासतदानों और दीगर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि इटली की कम्युनिटी ने आज कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का सबूत दे दिया, हम कश्मीर की आज़ादी तक इसी तरह अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अतालवी सियासतदानों ने कहा कि दुनिया के दीगर अकवाम की तरह कश्मीरियों को भी इस तस्वाब राय का हक मिलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर पाक यूनाइटेड फेडरेशन इटली के सदर चौधरी शमरेज़ हुसैन गोंदल, बानी चौधरी तजम्मल हुसैन खटाना, चौधरी अजमल खान गोटरियाला और हाजी बशीर बसाल ने आने वाले मुअज्ज़ज मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। नदीम शौकत, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़, HD इटली। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसों से मुस्तफीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।